जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम जानेंगे मंत्र क्यों नहीं काम करते। मात्र 11 बार मंत्र जाप से करें अपनी बीमारी, अपनी परेशानी दूर, आपके रुके काम बनेंगे। आप सभी लोग कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं और विभिन्न मंत्रों का जाप भी करते हैं। कुछ व्यक्ति साधारण पूजा करते हैं और कुछ ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं हमारी समस्याएं दूर नहीं हो रही, प्रभु कृपा नहीं हो रही। तो क्या होता है, कुछ समय लोग जिस भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं उनके मंत्र का जब भी कुछ दिन करते हैं, जब उनकी किसी समस्या का हल नहीं होता तो वे किसी और देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद अन्य देवी देवता की शरण में चले जाते हैं, अन्य मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनके मन में शंका रहती है कि ये मंत्र काम करेगा कि नहीं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उसे एक नित्य क्रिया मानते हुए एक दो माला मंत्र जाप कर लेते हैं। जब तक आपके मन में मंत्र के देवता और मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो मंत्र कैसे कार्य करेगा, श्रद्धा में संशय का कोई काम नहीं। आपके मन में अपने इष्ट और मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरा इष्ट मेरा गुरु पूर्ण समर्थ है। जब आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से प्रेम से मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र जागृत होने लगता है। जो मंत्र आपको गुरु द्वारा प्राप्त होते हैं वो अर्धचैतन्य मंत्र कहलाते हैं। अर्धचेतन मंत्र वे होते हैं जो आधे जागृत होते हैं, जो आधे चैतन्य होते हैं। मात्र कुछ जाप से ही उनको जागृत किया जा सकता है। गुरु मंत्र आप कुछ दिन 11 दिन ही बैठकर जाप करते हैं जिससे वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। जब आप किसी भी मंत्र को श्रद्धा विश्वास के साथ मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिनों में मन को मंत्र जप का अभ्यास हो जाता है। आपका मन इधर उधर नहीं भटकता, आपका मन शांत होता जाता है। मंत्र जो है वो आपको परमात्मा से, मंत्र के देवी देवता से, गुरु मंत्र है तो गुरु से जोड़ने का कार्य करता है। श्रद्धा विश्वास के साथ जप करने का प्रभाव शीघ्र ही आपको महसूस होने लगता है। जैसे गुरु, देवी देवता आदि जिनका भी मंत्र होता है, उन देवी देवता का गुरु के दर्शन स्वप्न के माध्यम से दर्शन होना, आपका मन शांत होने लगता है, आपकी आस्था बढ़ने लगती है, आपकी मनोकामना पूरी होने लगती है। कई काम ऐसे होते हैं लगता है आपके प्रभु आपके गुरु ने उस संकट से आपको बचा लिया। मंत्रों की ऊर्जा बहुत होती है और बहुत जल्दी उन देवी देवता या गुरु तक पहुंचती है और बहुत जल्दी वे प्रसन्न होते हैं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की ऊर्जा जागृत होती है और ब्रह्मांड में जो प्रभु की शक्ति है उस शक्ति से जब उस मंत्र की शक्ति का एकीकरण होता है तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र में जो आपके इष्ट की ऊर्जा होती है, जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा और आपके इष्ट देव की ऊर्जा मिलती है, उसे ऊर्जा का एकीकरण कहते हैं। जब मंत्र सिद्ध होने लगता है तो आपको आपके इष्ट की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे कर्मों के अनुसार या पूर्व जीवन के कर्मों के आधार पर इस जीवन में हमें सुख दुख मिलते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें सुख मिलता है और पाप कर्मों के अनुसार दुख मिलता है। असाध्य शारीरिक रोग प्राप्त होते हैं, कोई रोग, बीमारी, फोड़ा फुंसी, एलर्जी, अंदरूनी रोग अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर पर चरम रोग हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने कुछ गलत खाया पिया भी नहीं, फिर ये रोग क्यों हो गया। घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, ये सब हमारे पूर्व कर्मों का ही फल होता है। इन सब का निवारण प्रभु के नाम जप मंत्र जाप से ही संभव होता है। मंत्र जाप की शक्ति सबसे पहले आपके पाप कर्म जलाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन मंत्रों की शक्ति आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करती है, आपके रोग नष्ट करती है, आपके असाध्य रोग दूर होने लगते हैं, आपके दिमाग में मन में शांति आना शुरू हो जाती है, आपकी मानसिक अशांति, आपकी टेंशन दूर होने लगती है, आपके मन के गलत विचार दूर होने लगते हैं। आपको किसी भी सिद्ध पुरुष से या सिद्ध गुरु से महामंत्र भी मिल जाए, मंत्र चाहे आपके इष्ट का हो या अन्य किसी देवी देवता का, जब तक आप उस मंत्र के प्रति पूरी निष्ठा विश्वास श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक उस मंत्र जप का पूर्ण फल आपको नहीं मिल सकता। अब होता क्या है, आप मंत्र जाप चाहे एक माला करते हो या ज्यादा, आप जीवा से मंत्र जाप तो कर रहे होते हैं पर मन कहीं और घूम रहा होता है। जब तक आप अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से मंत्र जाप नहीं करेंगे तब तक मंत्र पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता। जब आप मंत्र जाप करते हैं उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उस मंत्र की शक्ति से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को बिजली का करंट देना जरूरी होता है तभी वो काम करती है, ऐसे ही मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें अपने प्राणों की ऊर्जा से मंत्र के जाप करके मंत्र को जागृत करना पड़ता है।
अब आपने करना क्या है? आपने अपने देवी देवता जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो, अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो अति उत्तम, अपने इष्ट का, अपने गुरु जी का चित्र सामने रखकर नहा धोकर आप उनके सामने बैठ जाएं और उनके निमित्त आप धूप दीपक जलाएं और एक जल का पात्र सामने रखकर कुछ भोग प्रसाद जैसे कुछ मीठा या फल और फूल आदि अर्पित करें और एक मीठे पान का बीड़ा बिना कथा चुने के अर्पित करें। अपने इष्ट का मंत्र, भगवान शिव इष्ट है तो ओम नमः शिवाय, हनुमान जी है तो ओम हं हनुमते नमः इत्यादि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का मंत्र, नासे रोग हरे सब पीरा, जत निरंतर हनुमत बीरा, या श्री रामचरित मानस की चौपाई, राम कृपा नासे सब रोगा, जो एही बांति बने संजोगा, या संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा इत्यादि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये सभी अपने आप में महामंत्र हैं। आप 21 दिन तक सुबह शाम कम से कम एक माला प्रतिदिन मंत्र जाप करें, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ अग्राचित होकर, मन में पूर्ण विश्वास के साथ कि आपके इष्ट, आपके गुरु पूर्ण समर्थ हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूर्ण शक्तिमान हैं, वे पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, और आप एक निश्चित समय पर 21 दिन तक करें। मंत्र जाप के बाद उस जल पात्र के जल का छींटा पूरे घर में और पूरे सारे घर परिवार के सदस्यों पर लगाइए और उस जल का पान कीजिए। आपके रोग दूर होंगे, आपके मानसिक रोग दूर होंगे, घर परिवार में शांति प्रेम का आगमन होगा, आपके संकट दूर होंगे, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। आप एक बार पूरे मन से इस अनुष्ठान को कर लीजिए, आपका तपोबल बढ़ेगा, मंत्र की एनर्जी से आपके पाप कर्म नष्ट होंगे, जल जाएंगे। जैसे अग्नि के संपर्क में कोई भी काश, लकड़ी, कपड़ा आदि आता है तो अग्नि का धर्म है, वो उसको जला देती है। इसी प्रकार मंत्र जप का भी धर्म है, वो हमारे पाप कर्मों को जला देता है, रोग क्लेश आदि को दूर कर देता है। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आर्थिक समस्या हो, सब दूर हो जाएगी। जब आप 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे तो आपने 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक खान पान मांस मदिरा का परहेज करना है। जब भी आपको कोई समस्या हो, अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करते हुए मात्र 11 बार मंत्र का विश्वास के साथ मन में जाप कर लेना, आपकी समस्या का अतिशीघ्र निवारण होगा, या प्रभु द्वारा किसी न किसी माध्यम से उस समस्या का आपको कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगा। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का या हनुमान चालीसा का, शिव चालीसा का या दुर्गा चालीसा का इत्यादि का आप 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। ये चालीसा अपने आप में ही पूर्ण महा सिद्ध मंत्र है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।